हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेस वॉश का रिव्यू, जो कि है एक्नेरेक से फेस वॉश। और ये जो फेस वॉश है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है जिन लोगों के स्किन पे पिंपल्स, एक्ने, दाने, फोड़े, फुंसी की प्रॉब्लम्स होती है। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था और मैं पूरे 1 मंथ से इसे यूज़ कर रही हूँ। वैसे मेरी कोई एक्ने प्रोन वाली स्किन नहीं है, बट वेदर चेंज जब भी होता है तो मुझे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो पूरे 1 मंथ तक यूज़ करने के बाद मुझे क्या इसका रिजल्ट मिला और मेरे ओपिनियन से आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही इस प्रोडक्ट के प्राइस की, इसके पैकेजिंग की, इसके साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स और इसको लगाने का तरीका सब कुछ आपको जानने को मिलेगा आगे वीडियो में। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और ड्राई है तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वाली वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं इसके पैकेजिंग से। सो अगर मैं आउटर पैकेजिंग की बात करूँ तो इस तरह के वाइट कलर के कार्टन बॉक्स में आती है, जो कि इस पर लिखा हुआ है एक्नेरेक एलोवेरा शिया बटर एंड एलन टोइन। ये जो है वो 75 ml की है। इसकी जो प्राइस है वो है 288 rupees और ये 2 साल के एक्सपायरी डेट के साथ आता है। प्रोडक्ट की सारी जानकारी, सारी डिटेल्स इस पर लिखी हुई है, मेंशन की हुई है ये कौन सी ब्रांड की है, इंग्रेडिएंट्स, लगाने का तरीका, एक्सपायरी डेट एंड ऑल सब कुछ इस पर मेंशन किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसके इंटरनल पैकेजिंग की तो इस तरह के प्लास्टिक के ट्यूब में आती है। इस पर भी एक्नेरेक फेस वॉश लिखा हुआ है। और अगर आप बैक में देखेंगे तो यहाँ पर इसके इंग्रीडियंट्स, लगाने का तरीका एंड इसकी जो भी डिटेल्स है सब कुछ लिखी हुई है। अगर आप इसको नज़दीक से देखेंगे तो जो इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बीट दिए गए हैं, जो कि वाइट और ग्रीन कलर में है, और ये एक ट्रांसपेरेंट जो है ट्यूब में आती है और जेल कंसिस्टेंसी की होती है। सो ये एक जेल बेस फेस वॉश है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सो इसके इंग्रेडिएंट्स की काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, जो मैं पढ़ के आपको बोर नहीं करना चाहती, क्योंकि केमिकल्स नेम किसके पल्ले पड़े हैं जो हमारे पड़ेंगे, बट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो मेन हमारा कंसर्न होता है वो कौन कौन सी है। सो इसमें मिला हुआ है एलोवेरा जेल, शिया बटर, एलेंटोइन, एक्वा डी पेथेनॉल और PEG-50, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, ग्लिसरीन एंड एक्रालाइट एंड भी बहुत कुछ सारा मिला हुआ है इसमें। सो आपको पता ही होगा कि जो एलोवेरा जेल होता है वो बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सूथिंग इफेक्ट देता है और स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और वो क्योर करता है पिंपल्स और एक्ने से स्किन को। इसके साथ ही इसमें मिलाया गया है शिया बटर, जो कि अगेन स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और एक ग्लो प्रोवाइड करता है। और इसके साथ जो इसमें सबसे मेन चीज़ मिलाई गई है वो है एलेंटोइन, जो कि अगेन स्किन को मॉइस्चराइज करता है और प्रिवेंट करता है ड्राइनेस से और इरिटेशन से। छोटे मोटे कट्स अगर स्किन में हो जाते हैं तो भी ये प्रिवेंट करता है उससे, और एंटी एजिंग को भी कुछ हद तक मतलब रोकता है और बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। एलेंटोइन एक एक्सफोलिएशन का भी काम करता है, जिससे हमारे डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं हमारी स्किन से। इसके साथ ही इसके अंदर सूथिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इसके टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में। तो ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है और ये कोई भी फोम क्रिएट नहीं करता। अगर आपको फोमिंग फेस वॉश चाहिए जो कि आपको फोम बनाकर दे, तो वो आप इसके अंदर नहीं मिल सकता है, तो आपको कोई और फेस वॉश लेना होगा। अदरवाइज जो ये फेस वॉश है, इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी है और ये एक एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस फेस वॉश से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड है और मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। सो इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने के चांसेस हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं कौन से स्किन टाइप वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आपको 110% इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने जब भी यूज़ किया तो मुझे अपनी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट लगी, बहुत ही सपल लगी और बिल्कुल भी ड्राइनेस का एहसास नहीं हुआ। तो आपके लिए जिनकी भी ड्राई स्किन है, जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है, उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ वाली फेस वॉश होने वाली है। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मेरे ख्याल से आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए। सो गाइस, अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि आफ्टर 1 मंथ यूज़ करने के बाद मुझे इसका क्या रिजल्ट मिला और मेरे ओपिनियन से आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है,
तो आपको डेफिनेटली इसको लेना चाहिए। और क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है और मेरी कोई एक्ने प्रोन वाली स्किन नहीं है, बट वेदर के हिसाब से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और सप्पल लगी, बिल्कुल भी ड्राइनेस का एहसास नहीं होता इसको यूज़ करने के बाद। जब अपने आप को फेस वॉश करते हैं तो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगती है, बट मुझे यही लगा इसको यूज़ करने के बाद कि इससे आपके पिंपल्स क्योर नहीं होते, ना ही आपके एक्ने क्योर होते हैं। क्योंकि सिर्फ एक फेस वॉश से अगर आप सोचोगे कि आपके जो पिंपल्स है, जो भी स्किन प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए, तो नहीं होता ऐसा। सो जो भी हमारे स्किन इश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ एक फेस वॉश यूज़ करने से दूर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, नींद सही से नहीं ले रहे हैं, कम पानी पी रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, सो ये सारे फैक्टर भी होते हैं आपके पिंपल्स को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि जब तक आप सही से डाइट नहीं लेंगे, सही से नींद पूरा नहीं करेंगे और अच्छे से पानी नहीं पियेंगे, तब तक आपके जो ये स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो कम नहीं होने वाले हैं। हाँ, ये कुछ हद तक तो हेल्प करता है, पर आपके स्किन से सारे प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करेगा, जैसे कि एक्ने एंड जो भी पिंपल्स होते हैं वो आने से नहीं रोक सकता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दे, ताकि मैं अगली बार एक नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर कर सकूँ। टेक केयर टिल देन, बाय।